हैदराबाद में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 11 मजदूरों को जिंदा जलने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना हुई थी। रघुवर दास की मौजूदगी में 24 मार्च को शाम 4 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधानमंडल दल का नेता। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आरोप है कि टीएमसी के पंचायत नेता की हत्या के बाद भड़की भीड़ ने 10 घरों में आग लगा दी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। दोनों सदनों में पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर एलपीजी के दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है। मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लूटने की पूरे देश में साजिश हो रही है। मंगलवार को नेतरहाट के टुट्टू आपानी में प्रस्तावित फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के प्रारंभ के अवसर पर यहां टिकैत ने आरोप लगाया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,778 नए मामले सामने आए और 62 लोगों की मौत हो गई। वहीं कल कोरोना के 1,581 केस दर्ज किए गए थे। मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद प्रभारी रघु शर्मा का दावा है साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 125 सीटें जीतेगी। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को खुशखबरी दी है। दिल्ली सरकार झुग्गियों में रहने वाले 78,000 परिवारों को पक्के मकान में शिफ्ट करेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी कर दिए। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। दरअसल विश्व स्तर पर कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं जिसके बाद कल 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया था। यह सिलसिला आज भी जारी है। आज भी देश में तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। कुशनगर में टॉफियां खाने से 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। पिता का कहना है कि ये टॉफियां उनके घर के बाहर फेंकी गई थी जिससे बच्चों ने खा लिया। सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचेंगे। यहां वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 24 मार्च को होने वाले विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 2 दिनों तक देहरादून में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 2 दिनों तक ये बैठक चली। बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी सिंबल में चुनाव जीते और हारे प्रत्याशियों से हार के कारणों पर फीडबैक लिया। अमेठी के जगदीशपुर विकास क्षेत्र में राजेश विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें जगदीशपुर ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह और उनके बड़े भाई राकेश विक्रम सिंह, जिला पंचायत सदस्य विशाल विक्रम सिंह और युवा निर्विरोध प्रधान अभिषेक विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। बलरामपुर के थाना सादुल्ला नगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गोवध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे। इस दौरान एक उपनिरीक्षक को बाएं हाथ में गोली लगी जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज के सदर क्षेत्र में नवनिर्वाचित सदर विधायक असीम अरुण ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया और गौवंशों के रखरखाव की जानकारी ली। वही निरीक्षण के दौरान असीम अरुण गौशाला देख संतुष्ट दिखे। इस दौरान एसडीएम सदर और ब्लॉक के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उद्यान फार्म सितारगंज में मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में साल बोली दाताओं ने काफी हद तक कम उद्यान विभाग के आम के पेड़ों की बोली लगाई। साथ ही कहा कि बोली काफी कम होने के कारण 1 सप्ताह के लिए टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया गया है। सहारनपुर में पुलिस लाइन में एनडीआरएफ और डीडीएमए के 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। सभी पुलिसकर्मियों को अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए इसके बारे में जानकारी दी।
संबल की हजरत नगर गढ़ी के गांव मकदूरपुर में चोरी करने के लिए घर में घुसे एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार एक युवक चोरी करने को नियम के घर में घुस गया, जहां घर की मालकिन ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। वहीं जब पिटाई से चोर की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद के गणेश टेंट में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर टेंट की दुकान में आग लग गई। वहीं आग लगने से दुकान में रखा टेंट का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गजर नोएडा के मिर्जापुर कट के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ के हाफिजपुर में तीन साथियों की तरफ से अपने एक दोस्त की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। आरोप है कि तीनों साथियों ने अपने दोस्त की हत्या कर उसके शव को छत विछत करके बुलडोजर से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक 18 मार्च से लापता था, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस के जरिए दो आरोपियों को पकड़ाया। जौनपुर के कुठहन थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से ब्यूटी पार्लर और किराने की दुकान में आग लग गई। दुकान के अंदर आग लगने से इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कुशनगर के रामकोला क्षेत्र में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब नियत समय पर निकाह के लिए बारात आ गई और दुल्हन ने शादी से इनकार कर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुल्हन को पहले थाने लेकर गई, उसके बाद उसके मनपसंद साथी से उसकी शादी करवाई। सहारनपुर के कस्बा गंगो क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे चलते मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सपा प्रत्याशी कार्तिकेय नारायण ने समीक्षा बैठक की, इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2022 का चुनाव देवबंद से लड़ा था। प्रदेश के 12वीं मुख्यमंत्री बनने पर कोटद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक चौराहे पर एकत्रित होकर आतिशबाजी की, वहीं एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पुष्कर सिंह धामी के दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने भी भारी उत्साह देखने को मिला। मैनपुरी के कुरवाली क्षेत्र में दलित परिवार के पलायन का मामला सामने आया। आरोप है कि दलित परिवार को उच्च जाति के दबंग लोगों ने इस कदर प्रताड़ित किया कि दलित परिवार के लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए। पीड़ित दलित परिवार गांव से पलायन कर एसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को सुलझाया। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाकर रोड जाम कर दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। सोशल मीडिया पर मंगलौर विधानसभा से बीएसपी विधायक हाजी करीम अंसारी के आभार जनसभा का कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें, मामले में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने एसपी देहांत प्रवीण सिंह दुबाल को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर पीलीभीत में जिला अधिकारी पुलकित ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर जिले में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही नकल विहीन परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर 73 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 7 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पीलीभीत के थाना सहरा मऊ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में मारपीट के मामले में महिला पीआईडी जवान जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन के लिए आई थी। बता दें, जहां पर पीआरडी जवान शर्मिला गौतम ने सीटी स्कैन के नाम पर वसूली का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि सीटी स्कैन करने वाले डॉक्टर वीके सिंह और एक्सरे टेक्नीशियन मल और एक अन्य कर्मचारी की तरफ से सीटी स्कैन के नाम पर वसूली की जा रही थी। सहारनपुर में डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी आकाश तोमर अवैध खनन को लेकर सख्त दिखाई दिए, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि यूपी की सीमा में
यमुना नदी के पास अवैध खनन का काम चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और जेसीबी और डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। इसी के साथ ही पुलिस ने दो खनन माफिया को गिरफ्तार भी किया है। गोंडा में प्रेम विवाह के बाद युवती से मारपीट और हत्या की कोशिश का मामला सामने आया, जहां पर जिला अस्पताल में भर्ती फैजाबाद बीकापुर निवासी युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवती ने ज्ञानचंद्र नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। युवती के ससुराल वाले सास से छोटी छोटी बातों पर कहासुनी किया करते थे। फतेहपुर में महिला ने घरेलू हिंसा मामले में पैरवी करने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायत पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि घरेलू हिंसा होने पर महिला ने मुकदमा की पैरवी करने के लिए व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए थे। बाद में महिला को पता चला कि व्यक्ति ने मुकदमा रजिस्टर ही नहीं किया है। लखनऊ में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने उद्घाटन किया। बंगाल में बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। घटनास्थल पर पहुंचे पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता है। उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई। इस दौरान 8 और कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। आजादी के महानायक कहे जाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस के अवसर पर ऋषिकेश में बीजेपी और कांग्रेस ने याद किया। नगर निगम परिसर में लगी शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हयात नगर में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फेक फोटो पोस्ट करने के मामले में बीजेपी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के शख्स ने फेसबुक पर योगी आदित्यनाथ की फेक फोटो पोस्ट की थी। पीलीभीत शहर के नखासा मोहल्ले में खुले में कंडोम के हजारों पैकेट मिलने के करीब 24 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग को इसकी खबर लगी, जिसके बाद विभाग के लोगों ने खानापूर्ति करते हुए कुछ डिब्बों को उठाया और वहां से चले गए। चंपावत की बनबसा पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त प्रयास से एक साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बनबसा चुना बट्टा क्षेत्र की कलावती देवी की तरफ से 12 मार्च को बनबसा थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। सरकार की तरफ से चलाई गई महिला सशक्तिकरण योजना के तहत दिनेशपुर में सिलाई केंद्र का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र में कई सारी महिलाएं केंद्र में मौजूद रहीं। सिलाई केंद्र के प्रशिक्षक रीना विश्वास ने कहा कि सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण पर चलाए जा रहे अभियान पर स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए हैं। बता दें कि घायल बदमाशों ने थाना लोनी बॉर्डर इलाके में बाइक टकराने के विवाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जयबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों बदमाशों से तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से MLC चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए भोलानाथ शुक्ला ने पर्चा वापस कर जिले की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। अब चुनावी मैदान में सिर्फ दो प्रत्याशी, एक निर्दल मदन यादव और दूसरे बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल बचे हैं। हमीरपुर जिला कारागार में एक बंदी की मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त को 15 मार्च को असलहा फैक्ट्री से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बंदी की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल मौत किन कारणों से हुई है इसका पता नहीं चल सका है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बरेली में दमदार असर देखने को मिला है, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया शुरुआत से ही उज्मा के बीजेपी सपोर्ट वाले बयानों के इर्द गिर्द घूमती खबर को फर्जी बता रही थी। आज इसका सबूत खुद उज्मा ने दे दिया। उज्मा अपने बयान से पलट गई हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बताया था वो मजाक था। फिरोजाबाद में यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की है।
जहां व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने सैंपलिंग भरने वाले विभाग के अधिकारियों को लेकर कहा कि वो भ्रष्ट बेईमान है, अधिकारियों को पीट पीट कर भगाइए। गाजियाबाद में दीवार गिरने से अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पुलिस के मुताबिक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से पास के डीएवी स्कूल की एक दीवार भरभराकर गिर गई थी, जिसमें नाले के निर्माण में लगे मजदूर मलबे में दब गए थे। जौनपुर के मछली शहर क्षेत्र के थलोई गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, तो वहीं घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कन्नौज के सराय मीरा स्थित लोहिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में धूमधाम से लोहिया जी की जयंती मनाई गई। बता दें कि सपा नेताओं ने लोहिया प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, तो वहीं पूर्व विधायक अनिल दोहरे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सहित कई सपा नेता मौके पर मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत और यूपी के गठन की यात्रा और शहीद दिवस के अवसर पर रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में आए तमाम कलाकारों ने इस मौके पर कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पीलीभीत में पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी को सरेराह ट्रिपल तलाक दे दिया, तो वहीं पति ने पत्नी को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके के सुआबोज गांव में रात के अंधेरे में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि बिना परमिशन के ये अवैध खनन का कारोबार चल रहा था। वहीं खनन कर रहे लोगों से गांव वालों की तरफ से खनन की परमिशन मांगने पर खनन करने वालों ने परमिशन लेटर नहीं दिखाया,